तो वो नेचुरली उसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर लेगा वो जाके स्कूल सेटिंग्स में क्योंकि जो स्कूल सेटिंग्स है वो कोई लैब का एनवायरमेंट नहीं है तो वो फील्ड सेटिंग है वो ओपन सेटिंग है वो नेचुरल सेटिंग है तो वहां पे जाके वो टीचर को ऑब्जर्व कर सकता है बिहेवियर एक्सपेरिमेंटर को ऑब्जर्व करना कि एक शॉपकीपर का बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स द कस्टमर्स वो कैसे अपनी सेल्स को प्रमोट करता है तो वो नेचुरली वहां पे जाएगा ऐसे ही वो जाएगा और उसके बिहेवियर को वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा कोई मैन्युपुलेशन नहीं किया यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं किया अपनी तरफ से तर सिर्फ जो बिहेवियर हो रहा है उस बिहेवियर को Observe कर रहा है उस बिहेवियर की systematic observation कर रहा है सो व्हाट आर दील्डीज फील्डीज और इन नेचुरल कि जो ऑलरेडी जो जैसे लोग बिहेव कर रहे हैं या जो भी चल रहा है एनवायरमेंट में कैसे लोग बिहेव कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ सिर्फ उसका एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करना इस फील्ड स्टडी

so in this type of observation the experimenter participates in the process of observation and plays an active role this type of observation is unstructured because experimenter has not pre planned the behavior and attitude to be observed so let us suppose ek experimenter hai us experimenter ko dekhna hai ki jo shopkeepers hote hain ya jo salesman hote hain wo kaise customers के behavior को manipulate करते हैं जिससे कि वो उन्हीं का सामान खरीदे कैसे वो को manipulate करते हैं कि हमारा product लीजिए तो वो क्या कर रहा है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में वो खुद एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है वो खुद एक कस्टमर के जा रहा है उसका जो मोटिव है वो सामान खरीदना नहीं है उसका मोटिव ये है ये देखना कि वो एक आ, कैसे कस्टमर्स को कैसे मैनिपुलेट करते हैं तो वो वहां पर खुद एक कस्टमर बन के जाता है वो खुद एक रोल प्ले करता है ये चीज जानने के लिए सो हिस्स द पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ये जो ऑब्जर्वेशन है ये अनस्ट्रक्चर्ड क्यों है अनस्ट्रक्चर्ड इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर और एक्सपेरिमेंटर है उसने पहले से ये डिसाइड नहीं किया कौन सा बिहेवियर देखेगा कैसा एटीट्यूड देखेगा एट द मोमेंट वो कस्टमर बन के जाता है और जो जो ऑब्जर्वेशन करनी है उसे जो जो बिहेवियर उससे दिखता है उसका एटीट्यूड दिखता है वो उसको ऑब्जर्व करता है उसने पहले से कुछ डिसाइड नहीं किया कि वो क्या ऑब्जर्व करेगा वो वहीं पर जाकर एट द मोमेंट उस चीज को ऑब्जर्व करता है उसको जो भी देखने को मिलता है ही हैज हैी प्लान एनीथिंग इसीलिए अनस्ट्रक्चर्ड है क्योंकि पहले से उसने एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर नहीं किया कि उसको क्या ऑब्जर्व करना है कौन सा एटीट्यूड देखना है कौन सा बिहेवियर देखना है उसने कुछ भी ऐसे प्लान नहीं किया वो वहीं पर जाकर एट द मोमेंट उसको जो देखने को मिलेगा उसका बिहेवियर

कि इसमें जो एक्सपेरिमेंटर है वो कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा वहां पे उसने वो खुद शॉपकीपर या खुद कस्टमर बन के नहीं गया वो दूर से लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा है वो वहां पे ऐसे ही घूम रहा है लेकिन वो घूमते घूमते वो एक्चुअल में ऑब्जर्व कर रहा है कि कैसे बिहेवियर मैनिपुलेट कर रहे हैं शॉपकीपर्स अपने कस्टमर्स का तो वहां पे वो खुद कस्टमर नहीं बन रहा वहां पे वो एक ऑब्जर्वर ही है वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है वो वहां पे बस वो देख रहा है लोगों का बिहेवियर या फिर वो देख रहा है कि शॉपकीपर्स कैसे वैल्यूपुलेट कर रहे हैं कस्टमर्स को सामान खरीदने के लिए तो ही इज नॉट प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन द प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन वो कहीं दूर से बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है या फिर वहां पे कहीं घूमते घूमते गूंत ऑब्जर्व कर रहा है ठीक है एंड दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेश स्ट्रक्चर्ड ये स्ट्रक्चर्ड है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है स्ट्रक्चर्ड क्यों क्योंकि यहाँ पे डिसाइड करके आया है उसने पहले से ही प्री प्लान किया हुआ है कि उसको क्या एटीट्यूड देखना है क्या बिहेवियर देखना है या फिर उसने पहले से ही सोचा हुआ है कि उसको क्या क्या चीज है शॉपकीपर्स की देखनी है ठीक है क्या उसको एनालाइज करना है किस मोटिव और पर्पज के लिए वो जा रहा है

जो आपस में लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरेक्ट कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं क्या बिहेवियर है बस वो उसको जाके ऑब्जर्व कर रहा है उसने कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना कुछ कंट्रोल नहीं करना बस जो चीज चल रही है नेचुरल सेटिंग में उसको जाके एक ऑब्जर्व करके वो एनालाइज ठीक है जैसे उसको देखना है कि लोगों का प्रो सोशल बिहेवियर कैसा है कि लोग नीडी और पुअर पीपल के कैसे हेल्प करते हैं या क्या किस एक्सटेंट पे हेल्प करते हैं नहीं करते है? उसको ये सब देखना है तो वो देख रहा है कि लोग अगर पुअर और नीडी इंसान को देख रहे हैं तो उनका क्या बिहेवियर है उनकी तरफ क्या वो उनकी हेल्प कर रहे हैं या फिर वो उनको इग्नोर करके जा रहे हैं तो वो बस उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है उसने कुछ नहीं किया बस जो बिहेवियर हो रहा है मतलब जो लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं उनका एटीट्यूड क्या है बस उसको ऑब्जर्व कर रहा है जाके ओपन सेटिंग्स में नेचुरल सेटिंग्स द सेकंड इज दैट थ्रू फील्ड स्टडी एक्सपेरिमेंटल इज एबल टू ऑब्जर्व सच बिहेवियर विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स तो कुछ बिहेवियर ऐसा होता है जहा पे उसको देखना होता है कि रियालिटी में नेचुरली लोगों का क्या इस चीज को लेकर एटीट्यूड और बिहेवियर है

या तो वो एट द मोमेंट ही उसने अपने रिजल्ट डिराइव कर लिए या फिर वो उसने रिकॉर्डिंग कर ली किसी बिहेवियर की जो चल रहा है और बाद में उसने एनालाइज किया उस चीज से कि अच्छा ये है तो काफी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है पीपल में बिहेव इन आर्टिफिशियल मैनर इफ दे आर अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट ऑब्जर्वर इज कीपिंग अ वॉच अब अगर लोगों को पता चल जाए कि हमें कोई देख रहा है अगर बच्चों को पता चल जाए कि हमें देखा जा रहा है कि हम अपने पेरेंट्स और एल्डर्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं तो वो उनकी हर बात मानेंगे उनके अच्छे उनसे अच्छे से बिहेव करेंगे उनसे पोलाइटली बोलेंगे लेकिन अगर ऑब्जर्वर नहीं देख रहा है तो वो अपना रियल बिहेवियर जैसे दिखाएंगे तो मतलब क्या होता है अगर पता चल जाता है लोग कॉन्शियस हो जाते हैं अवेयर हो जाते हैं कि कोई को देख रहा है या कुछ ऑब्जर्व किया जा रहा है उनके बिहेवियर में तो वो आर्टिफिशियल मैनर में बिहेव करने लग जाते हैं और हमें रियल और एक्चुअल बिहेवियर देखने को नहीं मिलता है वन मोर थिंग इज कि जो हमारी फील्ड स्टडीज और फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है जो हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंट है वो एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है वो एक एक्सपेरिमेंट होता है और ये एक स्टडी है ठीक है यहाँ पे उसने कुछ मैनिपुलेशन नहीं किया उसने सिर्फ स्टडी की उस बिहेवियर की जो चल रहा है लेकिन जो फील्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहां पे जो एक्सपेरिमेंटल होता है वो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन

So please do like, comment and share and keep on watching my videos.